Senti. पद्मा पदम भाग्यशाली संगम योगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों प्रति परमात्म महावाक्य है। इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। अनुभव करें, मैं संगम योगी ब्राह्मण जन्म में भी विशेष। तो राज्य अधिकारी बनने में भी विशेष। और आप ही पूज्य से आप ही पुजारियों में भी विशेष पाठ बजाने वाली कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्मा हूं। चले हम उस परमात्म प्यार में मगन हो जाए।
मनुष्य स्नेह। हमारा जीवन इतना ऊंच श्रेष्ठ पवित्र बना दिया, चले हम उसकी याद में मगन हो जाए। जिसने हमें सर्व संबंधों का प्यार दिया, उस पिता शिव की याद में खो जाए। जिसने हमें सर्व खजानों से भरपूर किया है, हमारे पर अनगिनत उपकार किए हैं, हमारे सब दुख हर लिए हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करवाकर हमारे जीवन को अलौकिक बना दिया। चले हम उसकी याद में होए रहे। जिसने हमें स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बनाकर अनेक फिक्रों से फारिग कर दिया, उसको दिल से याद करें। जिसने हमारा जीवन पवित्र बना दिया, हम उनकी याद में मगन रहे। जो हमें स्वर्ग की बादशाही देने हमारे सम्मुख आए हैं, हम उस परम सद्गुरु का दान करें। जिसने हमें अपनी सजनी बनाया, उस खुदा दोस्त की याद समाए रहे। खुदा दोस्त हमें पग पग पर मदद देने के लिए बंध गया है। हम उसके प्यार में इतना खो जाए कि हर श्वास हर सेकंड
उसकी याद के बिना बीते ही नहीं। कितनी सुखद है ये याद जो हमें देह और देह की दुनिया से दूर, बहुत दूर, अपने स्वीट होम तक ले जाती है। मेरे मीठे बाबा, आपने मेरा जीवन कितना ऊंच व श्रेष्ठ बना दिया। उस प्रियतम परमात्मा के साथ कंबाइंड हो जाए जो हमें अनेक जन्मों के लिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बना देते हैं। अपनी सर्व शक्तियों से वे हमें फुल चार्ज कर देते हैं। चले हम उस निश्चल निर्मल व निस्वार्थ प्यार में खो जाए। रुखटी सिंहासन पर विराजमान मैं, चमकता हुआ सितारा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं पद्मा परम भाग्यशाली आत्मा हूं। आत्मा अब इस साकार लोक से परे ने स्वीट साइलेंस घर जा रही हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी के सम्मुख हूं।
बाबा से सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूं। कुछ समय के स्वीट साइलेंस में ज्वालामुखी योग अभ्यास करें। मैं आत्मा और मुझ आत्मा पर बरसती परमपिता परमात्मा शिव बाप की किरणें जिससे मुझ आत्मा के पूर्व हिसाब किताब उस ज्वालामुखी योग अग्नि में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूं। मुझ आत्मा से यह किरणें चारों ओर दूर दूर तक फैल रही है।
हिसाब किताब के बोझ से मुक्त, हल्का और रिलैक्स। हम इन शक्तिशाली किरणों की सकाश मुझ आत्मा द्वारा सर्व आत्माओं को प्राप्त होती है। उनके दुख कष्ट सब नष्ट हो रहे हैं। उनका भी कल्याण हो रहा है। उनके जीवन में सुख शांति की बौछार हो रही है। स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रहे हैं। बेहद हल्की और सुखद स्थिति में परम धाम से नीचे पहुंच जाती हूँ। बाप दादा के बिल्कुल समूह सूक्ष्म वतन में प्यारे मीठे बाप दादा की शक्तिशाली जादुई दृष्टि से सारी शरीर के मन और तन की सूक्ष्म में भी कोई व्याधि हो उससे मुक्त अनुभव कर रही हूं। न कोई दुख न कोई दर्द, केवल परमात्म स्नेह में खुशहाल ही खुशहाल। अभी और सारा दिन जो भी हम अन्न का निवाला लेंगे महसूस करें बाबा की शक्तिशाली याद उस अन्न पर पड़ रही है। और ये अन्न परमात्म शक्तिशाली ऊर्जा से शुद्ध हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका। बाबा को स्वीकार करा के इसके पश्चात ही हम स्वीकार करते हैं। और एक अन्न का निवाला प्रभु प्रसाद है।
प्यारे मीठे बाप दादा से प्यार भरी रूहानी दान करते, उन्हें अपने प्यार के तार में बांध दे। भोग स्वीकार कराते, अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से नीचे साकारी दुनिया में पहुंच जाता हूं। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए, सुस करे शुभाप से शक्तिशाली ऊर्जा इस जल में बरस रही है और ये जल का एक एक अणु परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है, जिसे पीकर परिवार में हर एक सदस्य तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ हो चुका है। शक्तिशाली ऊर्जा युक्त जल से परिवार में हर कोई एक दूसरे को आपसी स्नेह और सम्मान के साथ ट्रीट कर रहा है। ये परिवार ईश्वरीय परिवार खुशहाल परिवार है, दैवी परिवार है। परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है, इसे घर के कॉमन वेसल में डाल दें ताकि सभी इसका लाभ ले सके और इसी शक्तिशाली अवस्था में पुनः जो हम कल पौने 9 बजे लाइव मुरली सुनी आज की, पुनः मुरली को एकाग्रचित होकर श्रवण करें। शांति, ओ शांति, ओ